भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने जा रही है। मतलब जो पहले आप फ्री में जो UPI ट्रांजेक्शन करते थे, अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, जो भी करते थे आप, जिससे आप फ्री में कर देते थे, जैसे चाय कटिंग है, सट्टा बार, जो भी करना है आपको वहाँ पर फ्री में कर देते थे, बिल्कुल चार्ज नहीं लगता था, तब उसके ऊपर RBI पब्लिक से चार्ज करने वाली है। और इसके ऊपर RBI ने पब्लिक से फीडबैक मांगा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। तो है दोस्तों, मैं आपका ट्रेवल शूटर। तो मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड न्यूज़, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लाता है। तो ऐसी वीडियोस के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कर दीजिए, क्या पता नेक्स्ट वीडियो आपके प्रॉब्लम के ऊपर साथ बना दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इस ट्यूजडे को RBI ने एक डिस्कशन लेटर पब्लिश किया, जिसमें RBI ने अपने सारे प्रोडक्ट्स जैसे UPI, IMPS, NEFT के लिए चार्जेस को मैनेज करने के लिए बताया गया कि इसमें कैसे मैनेज करना है, और चार्जेस के बारे में 3 अक्टूबर से पहले फीडबैक देने का है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फंड ट्रांसफर सिस्टम में IMPS की तरह ही है, इसलिए UPI पर IMPS की तरह सेम चार्जेस होने चाहिए, ये RBI का कहना है। तो करंट टाइम में UPI के लिए आप यूज़ करते होंगे सुट्टा बार, जो भी मतलब जो आप दुकान पर जाते हैं, दुकान पर चाय कटिंग, कुछ भी मतलब दुकान पर 2 रुपये का 1 रुपये का सामान होता है, तो उसके लिए भी आप UPI ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए ना आपको, ना कस्टमर को, ना मर्चेंट को, किसी को भी 1 पैसे का चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन लेटर में RBI ने पूछा है कि अगर UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाया जाता है तो क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू के आधार पर MDR मतलब मार्केट रेट पर चार्ज लगाया जाए, या ट्रांजेक्शन वैल्यू के बावजूद फिक्स्ड प्राइस कर दिया जाए, मतलब कि हर डेट पे इतना चार्ज लगेगा, इस पर इतना चार्ज लगेगा, मतलब फिक्स कर दिया। इसके अलावा RBI ने इस पर भी फीडबैक मंगाया है कि क्या RBI को चार्ज खुद पर फैसला लेना चाहिए, कि खुद फैसला करे RBI कितना चार्ज लेना चाहिए, या मार्केट पे डिपेंड कर दे कि मार्केट खुद चेक करते रहे, चेंज करते रहे अपने चार्जेस। MDR सभी ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट द्वारा ली जाने वाली ये चार्जेस हैं। UPI पर एक कस्टमर और मर्चेंट के बीच होने वाली 800 रुपये की फुल ट्रांजेक्शन, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में कुल 2 रुपये की कीमत की लागत आती है, मतलब पूरे बैंक को चार्ज करने में, UPI को, वीजा को, सबको करने में 2 रुपये की लागत आती है। देश में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर महीने 6 अरब से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है। ये एक फंड ट्रांसफर होने के साथ साथ मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी है, क्योंकि हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं आप, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब जानते हो। तो आप RBI को मेल करके फीडबैक दे सकते हैं कि ये मत फीडबैक दे सकते हैं कि कितना चार्ज लगना चाहिए कितना नहीं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप मना कर देंगे चार्ज नहीं लगेगा, मना कर देंगे तो चार्ज नहीं लगेगा, चार्ज तो पक्का लगना। लेकिन ये भी पक्का कि 3 अक्टूबर को अगर लास्ट डेट दे रखी है, किस बात की, कि आपको फीडबैक देने की, तो 3 तारीख के बाद ही से वहाँ पर चार्ज लगना चालू स्टार्ट होगा। और वैसे भी RBI ने चार्ज तो सभी प्रोडक्ट के बताए हैं, नहीं सब बताने तो चला तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब जैसे कार्ड पेमेंट, IMPS, NFT सब के ऊपर उन्होंने बहुत सारे चार्जेस बताए हैं, लेकिन सबको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और जो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा पता चला हो, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बता दीजिए। वैसे ही वीडियो को लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सेवन टाटा, बाय बाय।